to my channel concepts in detail i hope you all are doing good and my videos are helping you all so today we are going to do asian okay so this one is so demanding video uh, and uh आई एम सो सॉरी दैट इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया बिकॉज आई डोंट हैव दिस टॉपिक इन माई बुक मुझे जो है मेन तो मेन टॉपिक्स जो है मेन मेन लाइन जो है या मेन मेन इन, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मुझे नेट से सर्च कर कर देन मुझे उसका पी डी एफ बनाना था और देन मैंने इसको रिकॉर्ड करना था सो so, थोड़ा सा जब मुझे टाइम मिला तो मैंने इसको प्रॉपरली जो है वो सर्च किया और उसको ऐड किया सो आई होप ये आपको वीडियो जो है वो हेल्पफुल होगी और आपको इससे बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा ओके सो टेन कंट्रीज जो है वो इसके जो इसके मेंबर्स हैं ठीक है इसके मेंबर्स को याद करने के लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है ताकि वो आपको मेंबर्स जो है वो अच्छे से याद हो जाए बिकॉज आसियान uh, जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जो है वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा सो नो डाउट कि मैं आपको इसमें डिटेल्ड वीडियो नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मेरे पास जो है वो इसका एग्जैक्ट uh, चैप्टर uh, नहीं था मेरी बुक में सो so, जहाँ जहाँ मुझे ऐसे लगा कि बच्चों को ये ये चीज़ें पता होनी चाहिए या ये ये चीज़ें बच्चों को अच्छे मार्क्स प्रोवाइड कर देंगी मैंने हर एक टॉपिक जो है वो इंक्लूड किया है सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट स्टार्ट आर वीडियो और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो वीडियो को है वो लाइक जरूर कर देना ठीक है आप लोग जब वीडियो को लाइक नहीं करते लास्ट में जो है मैं इसके लिए क्वेश्चन भी रखूंगी तो आप सभी ने जो है उस क्वेश्चन का आंसर भी जरूर देना है कमेंट बॉक्स में और कमेंट ऑफ द डे भी जो है वो मैं लास्ट में ज़रूर पोस्ट करूँगी आप लोगों ने देखना सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन सो बेसिकली मैं आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको जल्दी से जो है क्विक बैकग्राउंड दे दूँगी कि हमने इसमें करना क्या है क्या क्या है, इसके मेन मेन मैंबर है ठीक है बिफोर वी इससे पहले कि हम इसको डिटेल में पढ़ें सो so, मैं आपको एक क्विक जो है वो नट शेल में जो है इसकी इंट्रोडक्शन वगैरह दे देती हूँ सो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ सो बेसिकली जो हमारा आसियान है ठीक है इसके जो है मेन टेन मेंबर्स हैं ओके तो ये हमारा साउथ ईस्ट रीजन में साउथ एशिया के ईस्ट रीजन में जो है इसकी सारी कंट्रीज जो हैं वो साथ में कनेक्टेड हैं ओके तो जो टेन मेंबर्स हैं जो टेन मेंबर्स हैं उनको याद कैसे करना है यू विल ऑल्सो गेट दैट ट्रिक ओके okay, मैप में भी आपको मैं ओ, आ, सारी टेन कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगी हम इसका फ्लैग भी देखेंगे और ये कैसे जो है वो इस्टेब्लिश हुई ओके okay, कैसे ये इस्टेब्लिश हुई किस किस कंट्रीज ने जो है इसमें पार्ट लिया क्या कब इसकी आ, फर्स्ट सुमीट हुई ये सब कुछ हम देखेंगे इसके मेन प्रिंसिपल जो है हम सारे इसमें देखेंगे सो लेट स्टार्ट विद आर इंट्रोडक्शन तो जो आ, जो फर्स्ट फुल नेम है एशियान का दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन ओके जिससे हम क्या बोलते हैं एशियान बोलते हैं कोई एशियान जो भी जिसको भी जो प्रनाउंजेशन ठीक लगे वो इसको यूज़ कर सकता है ओके okay? तो ये एक ही रीजनल इंटर रीजनल इंटरगोर्मेंटल ऑर्गेनाइजेशन है मीनस जो है वो अलग अलग रीजन को जोड़कर ये वाली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसमें टोटल टेन कंट्रीज़ जो हैं वो इसकी मेम्बर्स हैं ओके टेन कंट्रीज़ के मेंबर्स कौन कौन से हैं वो अभी मैप में देखेंगे ओके okay, तो ये क्या करती है टेन कंट्रीज़ मिलकर साउथ ईस्ट रीजन की एशियन रीजन की क्या करती हैं ये अपने आप में सभी में क्या करती हैं कोऑपरेशन जो है वो उसको इंक्रीज करती हैं सो दैट की जो है ट्रेड अच्छे से हो सके सिक्योरिटी अच्छी हो सके इनमें ठीक है ताकि आपस में एक मेंबर की तरह बनकर ये रहें ठीक है एजुकेशन फैसिलिटीज़ के लिए कल्चर इंटीग्रेशन एक दूसरे में कल्चर जो है वो इंटर इंटीग्रिएट हो ठीक है सभी मिलकर जो है एक दूसरे कल्चर को जो है वो रिस्पेक्ट करें ठीक है उसके कल्चर के साथ वो सेलिब्रेट करें एक दूसरे के कल्चर को जो जो भी उनके मान्यताएँ वगैरह हैं ठीक है और सभी कुछ जो है जो जो भी एक्सचेंज करके अपनी इकोनमी को वो और इन्हांस कर सकें ओके तो ये कहते है, इसकी जो पूरी जो हमारे एस है, है? For example, अभी, अभी हमारा एसियान है ठीक है फॉर एग्जाम्पल एशियान का जो है वो एक है है वो ग्रुप ठीक यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये एशियान का पूरा ग्रुप है ओके तो ये कहती है इसमें जो जो भी कंट्रीज हैं ठीक है टोटल टेन कंट्रीज है टेन कंट्रीज की मिलके जो इकोनॉमी है वो इतनी अच्छी है और इतनी डेवलप्ड है इतनी डेवलप्ड है कि ये टोटल थर्ड ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री आ जाती है थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप आ जाता है जिसकी इकॉनमी इतनी अच्छी है आफ्टर द चाइना एंड जापान ठीक है अगर हम चाइना और जापान की अगर हम इकोनॉमी देखें तो उसके बाद अगर किसी की इतनी अच्छी इकॉनमी आती है तो ये पूरे आसियान ग्रुप की जो है वो पूरी इकोनमी है ओके तो इतनी अच्छी जो है जो इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है अपनी इकोनमी को और इतनी अच्छे से जो है ये इकॉनमी वर्क कर रही है ओके और अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें कि पूरे वर्ल्ड में तो पूरे वर्ल्ड में जो है ये सेवन लार्जेस्ट इनकी जो है वो इकोनमी है इतनी अच्छी है इनकी इकॉनमी है ओके तो मीटिंग्स तो क्या होता है पूरे आसियान में जैसे पूरी आसान में तो है वो आ, हर बार जो है Uh, uh, हर बार जो है वो अच्छे से सुमिट्स करवाई जाती हैं ठीक है कॉन्फ्रेंसिस है? होती हैं अगर कोई भी ऐसा uh, वो इशू चल रहा है जिसको साउथ ईस्ट एशियन रीजन में जो है उसको हमें सोल्व करना है तो पूरी अच्छे से सुमिट्स होती हैं हर साल सुमिट्स होती हैं uh, सुमिट्स होती हैं कॉन्फ्रेंसिस हो होती हैं ठीक है जो कि रेगुलरली करवाई जाती है विद इन इट्स सेक्रेट्रेट लोकेटेड इकार्ता इंडोनेशिया ठीक है जकार्ता इंडोनेशिया में जो है ये यहाँ पर सारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो इसका जो मेनली हेड क्वार्टर है ओके तो इसका जो मेनली हेड क्वार्टर है दैट इज़ इंडोनेशिया जकार्ता में है ठीक है हेड क्वार्टर शियन विच वॉज़ इस्टेब्लिश कब इस्टैब्लिश हुआ था ये चीज़ अब आपने ध्यान रखनी है इट वॉज़ इस्टेब्लिश ऑन एट अगस्त 1967 ठीक है जिसमें टोटल जो है वो टेन साउथ ईस्ट एशियन रीजन की जो है वो कंट्री हुई कौन कौन सी है अब ये देखिए एक है ब्रुनेई, ठीक है कम्बोडिया इंडोनेशिया लाओस मलेशिया म्यांमार फिलीपींस सिंगापुर थाईलैंड एंड वियतनाम ये सारी जो है वो टेन मेंबर्स हैं ठीक है आसियान की जो अच्छे से वर्क कर रही हैं और इनमें आपस में जो है कोऑपरेशन भी बड़ा अच्छा है ओके इकोनमी भी बड़ी अच्छी होती है इनमें ठीक है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह वगैरह सब जो है इनकी इश्यूज वगैरह सारा कुछ जो है वो मेन एक सेंटर में लेके आकर वो सोल्व करते हैं कहाँ पे आसियान में ओके तो हम जल्दी से इसके जो है मैप पे भी देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्री जो है वो आती हैं सो हेयर आर द ऑल कंट्रीज ठीक है सबसे पहले अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें ठीक है पहली चीज़ देखो ये हमारी इंडिया का जो है वो साउथ ईस्ट रीजन जो है ईस्ट रीजन जो है वो दिख रहा है फिर यहाँ से साथ ही में म्यांमार आ रहा है म्यांमार के साथ लाओस थाईलैंड कम्बोडिया वियतनाम ब्रुनेई ओके मलेशिया सिंगापुर इंडोनेशिया एंड फिलीपींस तो इंडोनेशिया में क्या हा? क्या है इसका हेड क्वार्टर है, है। ठीक है इंडोनेशिया में इसका हेड क्वार्टर है ओके तो बाकी फिलीपींस जी टेन कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर है आसियान की तो सबसे पहले अब देखो इसको टेन कंट्रीज़ को याद करने की ट्रिक कौन सी है फर्स्ट हम ऐसे याद करेंगे आई पी एस मुझे बनना है वो चाहे लाख टोंट मारे ओके तो ये जो है हम इसके टेन मेंबर्स की जो है वो ट्रिक याद करेंगे सबसे पहले देखो आई पी एस मुझे बनना है वो चाहे लाख टोंट मारे तो ये इजी है ठीक है आई से जो है वो हमारा इंडोनेशिया पी से फिलीपींस एस से सिंगापुर एम से मलेशिया बी से ब्रुनेई वी से वियतनाम सी से जो है वो कंबोडिया एल से है लाओस टी से है वो हमारा थाईलैंड एम से है वो एम हो गए एक म्यांमार मलेशिया तो ये इजी ट्रिक है आई होप आपको ये जो है ट्रिक हेल्पफुल होगी तो आपने जो है मैप uh, में भी जो है आप सारे ये वाली चीज़ें देख देखिए सारी कंट्रीज़ देख ली हैं तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई हो कि साउथ ईस्ट रीजन जो है वो कौन सा एशिया की साइड पे ऊपर जो है वो एशिया एशिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है है ना तो आगे हम देखते हैं हम इसके फर्दर इंट्रोडक्शन ओके तो आगे देखो कहते जो एशियन जो एशियन ग्रुप है वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है इन द रीजन ठीक है इन रीजन uh, में इस वाले एरिया में जो है अगर हम साउथ ईस्ट रीजन में देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंफ्लुएंशियल ग्रुप है अच्छे से वर्क कर रहा है और जो सारी इंडिया इंडिया एंड अदर सेवरल कंट्रीज जैसे कि यूएस चाइना वगैरह ये सारे इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं ओके तो एशियान की हमें फुल फॉर्म पता चल गई ना एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन ये सारे जो है साउथ ईस्ट एशियन में आ रहे हैं तो इसके लिए इसका नाम एशिया आसियान रखा ओके okay. तो कहते स्टार्टिंग में क्या था को जो है सिर्फ इसका नाम क्या था एस ए ही था ठीक है नाइनटीन सिक्सटी नाइनटीन सिक्सटी सेवन के बाद जाकर ये पूरा आसियान बना जब सभी ने और लो कंट्रीज जो है वो जैसे कि इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस वगैरह उन्होंने भी जब uh, ज्वाइन कर दिया तो इसका नाम ए एस ए से uh, हटकर कर आसियान जो है वो फॉर्म हुआ ओके तो एशियान की जो हमने देख ली ना फर्स्ट सुमित कब हुई 1976 में हुई जिसमें हमने क्या किया एक ट्रिटी साइन की ठीक है ट्रिटी ऑफ अमिटी जो है वो साइन हुई ये इंपॉर्टेंट है ठीक है ये वाली ट्रिटी जब है वो साइन हुई तो जाकर जो है प्रॉपरली एग्रीमेंट हुआ किसका आसियान का ओके okay? जिसमें हमने वेरियस जो है वो अपने सेवरल जो है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट रखे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट को डिस्कस किया और जिसके बाद ये वाली अमेठी साइन हुई ट्रिटी ऑफ अमेठी साइन हुई और देन जो है प्रॉपर 1967 में 8 अगस्त पे, आ, 8 ऑफ अगस्त में जाकर हमारा आसियान जो है आसियान जो है वो प्रॉपरली इस्टेब्लिश हुआ ओके okay, आगे जो है ये आपने देख लेना ये मैंने आपको बता दिया है हम वेरियस प्रिंसिपल करेंगे और वेरियस इसका आ, इस देखेंगे ओके okay? तो आई होप आपको इसका इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड जो है वो समझ लग गया होगा so, अभी आगे है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं ठीक है ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं जो कि आसियान ने यूज की जाती हैं ठीक है तो जैसे कि हमें पता है कि इसके टेन में इसके जो है वो टेन मेंबर्स हैं है ना टेन मेंबर्स हैं तो वो सभी मेंबर्स की जो लैंग्वेज है वो कंसीडर की जाती है बट फॉर द वर्किंग लैंग्वेज ठीक है फॉर द वर्किंग लैंग्वेज ओनली वहाँ पे इंग्लिश ही कंसीडर होती है बिकॉज अभी टेन नेशंस हैं तो टेन नेशंस की जो है वो सभी लैंग्वेजेस uh, तो यूज़ कर नहीं सकते ठीक है ऑफिशियल लैंग्वेज नो डाउट सारी हैं बट फॉर द वर्किंग अगर कुछ पेपर uh, वर्क हो रहा है या फिर कुछ एग्रीमेंट्स साइन साइन हो रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा टेन की टेन लैंग्वेज यूज़ की जाएंगी ओनली फॉर द वर्किंग पर्पस वो सिर्फ इंग्लिश ही लैंग्वेज को कंसिडर करेंगे ओके सो नेक्स्ट है अब हमारा आगे पॉइंट आसियान फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ठीक है तो प्रिंसिपल्स जो है इसके काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग जो है इसको स्किप मत करिएगा ओके तो फर्स्ट वन इज

ओके okay? और जैसे अब हमने आपको मैप्स में भी दिखाया पास पास ही है। है ना? सारे तो ऐसा नहीं होगा कि अगर हम एक ग्रुप के में तो टेरेटरी पे भी जो है वो राइट दिखाएंगे तो ऐसा नहीं होगा हम सभी की जो है म्यूचुअल uh, सभी के जो है सभी को उसका स्पेस देंगे और सब किसी की भी ऐसा नहीं होगा कि टेरिटरी या उसकी uh, स्पेस पे जाके हम काम करेंगे ओके सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कोई भी कंट्री जाकर वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगा हर एक की जो है हम अपनी अपनी ही नेशन में जो है वो बात करेंगे किसी की भी हम और नेशन में जाके एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो है वो हम नहीं करेंगे अब एवरी स्टेट का जो होगा अपना राइट right होगा मतलब तीनों में जो है वो पॉइंट सेम है बट उन्होंने जो है टर्म्स अलग अलग यूज़ की हैं ओके सो अगला है कि कोई भी अगर डिस, अ, डिस्प्यूट आ रही है ठीक है कोई भी अगर डिस्प्यूट आ रही है तो उसको क्या करेंगे पीसफुल मैनर से वो सॉल्व करेंगे है ना कोई भी अगर डिस्प्यूट आई तो उसको आराम से बैठ कर पीसफुल मैनर से जो है वो सॉल्व करेंगे विदाउट यूजिंग एनी कि हाँ इतने इशू हुई तो चलो हम अटैक करें तो ऐसा कुछ ना करेंगे अब जो क्या करेंगे किसी को धमकी भी नहीं देनी और किसी को फोर्स भी नहीं करना ओके okay, तो ऐसे जो पीसफुल वे से जो है वो हर कुछ तरीके को जो है वो सोल्व करेंगे ओके नेक्स्ट है इफेक्टिव कॉपरेशन अमंग दैम सेल्फ कि इतना मत इतना कॉपरेटिव होना चाहिए टेन इतना कॉपरेशन होना चाहिए सभी टेन की टेन कंट्रीज़ में कि वो अपने मसले जो अपने इश्यूज हैं वो कॉपरेशन से जो है वो सोल्व कर सके किसी जो है वो तीसरे इंसान की उनको जरूरत ना पड़े ठीक है आपको इसका पी जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा नेक्स्ट है अभी अगर इन्होंने आसियान बनाया है तो इनका क्या पर्पस होगा आसियान बनाने का फंडामेंटल प्रिंसिपल हो गए ये मेनली एक जो ये तीन चीज़ें हैं वो एक साथ ही हैं ये वाले तीन पॉइंट जो है वो एक ही एक ही हैं तो बेसिकली इसके सिर्फ वन टू थ्री पॉइंट जो है वो प्रिंसिपल के बन जाएंगे आगे है आगे आसियान का पर्पज़ क्या है इसको इस्टेब्लिश करने का ठीक है सबसे पहला पर्पज़ तो हम पढ़ के ये तो हमें इतना पढ़ के पता चल ही गया होगा कि सबसे पहला इसका पर्पज़ है कि क्या करें इकोनॉमिक ग्रोथ हो है ना कि पता क्या इकोनॉमिक ग्रोथ में इन्होंने इतना इम्फोसाइज क्यों किया है तो मैं आपको समझाती हूँ तो क्या हुआ था तो क्या हुआ था इन पर जो था वो कंट्रोल किसी ना किसी कंट्री का रहा ही रहा है जिसकी वजह से ये क्या होगी इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहेगी ठीक है इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहेगी बाकी सारी कंट्रियों से जैसे हम देख सकते हैं कि लैस मलेशिया एक तो है वो छोटे छोटे से ही हैं आइलैंड्स टाइप ही हैं कुछ कुछ तो ठीक है जैसे इंडोनेशिया वगैरह तो इनको क्या हुआ तो ये बेसिकली क्या रह गए इकनॉमिकली बैकवर्ड रह गए क्योंकि इनके ऊपर किसी ना किसी ने किसी ने किसी ने क्या क्या किया था जो है वो कंट्रोल किया था इस पर राज किया था जिसकी वजह से ये सारी कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह गई तो अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप्ड करने के लिए इन्होंने क्या किया अपनी मैनी ये आसियान जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई ओके okay, तो अपने आप को इन्होंने इसलिए इकनॉमिकल इकनॉमिकली इतना अच्छा तो किया है इतना जो है इतने इन्होंने एफ़र्ट जो है वो इतने एफर्ट जो इन्होंने इन्वेस्ट किए तो ही जाकर ये आज के टाइम पे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन सभी की जो है आसियान की बन पाई आफ्टर आफ्टर द चाइना एंड जापान तो आपने देख लिया कि सबसे जो पहला पर्पज़ था इसका आसियान बनाने का वो था कि अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सिलेट करना और इन अच्छे से रखना नेक्स्ट है कल्चरल डेवलपमेंट कि ये कल्चरल डेवलपमेंट भी चाहते थे इनकी अच्छे से हो पाए है ना और तो सोशल ग्रुप है वो भी अच्छा हो सके ठीक है सोशली जो इनके सारी जो सोशली भी जो है काफ़ी सारी इनमें प्रॉब्लम्स इन सारी कंट्री में प्रॉब्लम चल रही थी पॉवर्टी वगैरह अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह ओके तो वो भी जो है सारी कुछ इंक्रीज हो जाए तो हमने क्या क्या देखा एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो कल्चरल डेवलपमेंट इनकी हो सके नेक्स्ट इनका सोशल प्रोग्रेस हो सके इनके रीजन में जो जो भी सारी बैकवर्डनेस चल रही है ना इक्वालिटी है ना इक्वालिटी मेन इक्वालिटी हो हो सभी चीज़ों में तो ओके okay, तो इन सभी ने मिलकर क्या किया uh, ये एफर्ट्स लिए ताकि ये सारे क्या कर सकें सभी चीज़ों को अचीव कर सके तो मेन पर्पज़ इनका ये था आगे अगला पर्पस इनका ये था पीस पीस को ये प्रमोट कर सकें स्टेबिलिटी ला सकें इनकॉर्पोरेटिंग रिस्पेक्ट फॉर द रिस्पेक्ट फॉर जस्टिस ओके okay, जस्टिस ला सके सारी चीज़ों में रूल ऑफ लॉ रूल ऑफ लॉ मेन ला सके इन सभी चीज़ों में ताकि मतलब ये अगर ये सारी नेशन एक ग्रुप में है तो वो क्या करें एक रूल ऑफ लॉ लेके आए ठीक है रूल ऑफ लॉ लेके आने से ये होगा कि अगर सारी कंट्रीज इनमें टेन टू टेन कंट्रीज़ हैं इनमें रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि आ, आ, कानून के आगे जो है वो सारी सारे जिन्हें इक्वल हैं तो रूल ऑफ फ्लो लेके आ सके सो so दैट की रूल ऑफ फ्लो अगर आएगा तभी क्या होगा इन सभी में ये चीज का ट्रस्ट आएगा टेन की टेन कंट्रियों में आज जान ग्रुप में यही ये अः ट्रस्ट आएगा कि हाँ अगर यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है तो ये क्या करेंगे जो भी अपना प्रॉब्लम अगर कोई अपना डिसीजन लेंगे तो रूल ऑफ लॉ को मद्देनजर रखते हुए ये क्या लेंगे अपना डिसीजन लेंगे तो तभी जो है ये एक और यहाँ पे एक स्ट्रोंग जो है कनेक्शन बन सकता है सभी टेन कंट्रीज के बीच में ओके अगला है अब हम आगे देखते हैं या सभी को क्या मिल जाएगा इसका पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा सो so, आगे देखो आगे कौन कौन जिसके के पर्पजेज़ हैं नेक्स्ट इसका पर्पज़ था कि कोऑपरेशन हो सके ठीक है कॉपरे कोपर, कोपरेश, कोपरेशन हो सके सो दैट कि हम क्या कर सकें एग्रीकल्चर का बेटर यूज़ कर सकें इंडस्ट्रीज़ का बेटर यूज़ कर सकें ट्रेड एक्सपेंशन जो है वो हम बेटर कर सकें ठीक है इंक्लूडिंग जो जो भी अगर प्रॉब्लम आ रही है ठीक है कोई भी चीज़ों को एक्सपोर्ट या फिर कमोडिटी का ट्रेड करने में वो भी हम सोल्व कर सकें इनमें आपस में कम्युनिकेशन को जो है वो भी इम्प्रूव कर सकें सो दैट की हम वेरियस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जो है वो इंक्रीज कर सकें और लोगों का स्टैंडिंग स्टैंडिंग ऑफ़ लिविंग भी जो है इंक्रीज करने के लिए हम एफर्ट्स लगा सकें सो लेट्स रिवाइज इट अगेन कौन कौन से हमने uh, जो है प्रिंसिपल्स किए जो फर्स्ट थे कि वो इकोनॉमिकली जो है वो डेवलप कर सके ठीक है दूसरा जो है वो कोऑपरेशन जो है वो अच्छे से कर सके सभी में ठीक है अगला था कल्चरली Uh, सभी को इम्प्रूव कर सके देन फोर्थ था सोशली सोशली इंक्रीज कर सके सारी चीज़ें है ना अगर अब अब आगे देखो uh, कि एग्रीकल्चर का बेटर यूज़ कर सके है ना अब अगला इंडस्ट्रीज़ का बेटर यूज़ कर सके ट्रेड एक्सपेंशन कर सके अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वाइल डूइंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन तो उसको रिजोल्व कर सकें है ना कम्युनिकेशन बेटर बेटर कर सकें है ना और जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है वो भी हम मिलकर इंक्रीज कर सकें सो आई होप आपको ये इसके जो मेन पर्पसिस थे वो भी आपको पता चल चल गए होंगे आपने बस इसको पॉइंट्स में लिखना है मैंने यहाँ पे पैराग्राफ्स में लिखा है आपने पॉइंट्स में अच्छे से करके लिख लेना है ये जो है आ, आसियान के देखो मेन मेंबर इन्होंने बताया है तो आ, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए मेन फाउंडिंग मेंबर कौन था वो भी आपको पता होना चाहिए मेन फाउंडिंग मेंबर जो थे वो थे वो था थाईलैंड ठीक है और कौन कौन से थे ये जो फाइव मेंबर्स थे वो क्या थे इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे कौन कौन सा थाईलैंड फिलीपींस मलेशिया और सिंगापुर ठीक है इसको हम मैप में देखते हैं अभी तो यहाँ पे आप मैप में एक बार क्लोज लुक लीजिए कौन कौन से चार आ, पांच फाउंडिंग आ, मेंबर थे ठीक है ये वाले जो पांच मेन फाउंडिंग मेंबर्स से कौन से थाईलैंड ठीक है थाईलैंड फिलिपींस मलेशिया सिंगापुर इंडोनेशिया ये तीनों तो साथ में चल रहे हैं आ, मलेशिया सिंगापुर और इंडोनेशिया ठीक है ये तीनों साथ साथ हैं है ना और ये थाईलैंड जो है आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है फिलीपींस ये दोनों अलग अलग है ठीक है फटाफट से रिवाइज करते हैं थाईलैंड फिलीपींस ओके और जो तीन जो है वो साथ में हैं कौन कौन से मलेशिया सिंगापुर एंड इंडोनेशिया ओके ये जो फाइव मेंबर्स थे ये मेनली इनका फाउंडिंग मेंबर्स था ये पांच लोग पहले चले बाद में जो है देन बाकी सारी कंट्रीज़ ने रेस्ट ऑफ द फाइव कंट्रीज़ ने इनको बाद में जो है वो ज्वाइन किया ओके ये जो बाकी के पांच मेंबर थे ब्रुनेई वियतनाम ले म्यांमार केम्बोडिया इन सभी पांच ने जो है उनको ईयर बाय ईयर जो है वो उसको ज्वाइन करते गए ओके सो द लास्ट वन हु ज्वाइन दैट इज कम्बोडिया ओके अगर तो जिनको एमसी क्यूज वगैरह आते हैं या वन मार्क्स के आते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि फाइव <coughs> मेंबर जो ज्वाइनिंग थे वो कौन से थे और जो लास्ट वन हु ज्वाइन द uh, आसियान वो था कम्बोडिया जो कि 1999 में ज्वाइन किया अब इनके जो है दो ऑब्ज़र्वर स्टेट्स हैं ठीक है थीका? जो ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये जो काम है वो अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ऑब्ज़र्व जो है उनको करते हैं वो दोनों कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो है और जो दूसरी है वो कंट्री है तिमोर स्टेट जो है वो ईस्ट तिमोर है ठीक है ये जो दो कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं इन दोनों इन सभी के वॉक्स को जो क्या करती हैं ऑब्जर्व करती हैं ओके आसियान ने क्या किया था एग्री किया था टू तो इस्टैब्लिश आसियान कम्युनिटी ठीक है इसने आसियान जो है कम्युनिटी इस्टबलिश की थी कब टू थाउजेंड थ्री में ठीक है जिसमें उसने क्या किए थे तीन पिलर जो है वो अपने सेट किए थे जैसे हमने यू वगैरह में देखा तो सभी के जो है अलग अलग जो है वो मेंबर सीट्स वगैरह थी है ना सिक्योरिटी काउंसिल ये सारे जो उसके स्ट्रक्चर था तो इसका मेनली स्ट्रक्चर थ्री पिलर्स में जो है वो डिवाइड है दैट इज जो फर्स्ट वन है दैट इज आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी तो ये इकोनॉमिक कम्युनिटी है जो कि इकोनॉमिक से सारा डील करती है ये है आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी ये जो सारी सिक्योरिटी कम्युनिटी से डील करती है ये थ्री तीन तो ये तीन पिलर जो, जो, था, जो है वो है और जो थर्ड वन इज थर्ड वन जो है वो है आसियान आसियां शोशो कल्चर कम्युनिटी ये तीन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं जो अलग अलग अपने फील्ड में जो है वो काम देखते हैं और इसको आ, इफ़ेक्टिव जो है वो बनाते हैं आसियान को ठीक है आगे है आसियान तो आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या बात करती है आसियान सोशल कम्युनिटी इस बात में बात इस बारे में बात करती है कि अगर कोई भी जो है वो फ़ाइट हो रही है ठीक है अगर कोई भी फाइट हो रही है कॉन्फ्लिक्ट हो रही है तो वो क्या हो वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ जानी चाहिए कि वो बाद में आर्म्ड वे में जो है उसको ख़त्म हो ठीक है तो इतनी ज़्यादा कोई भी फाइट नहीं आपने एक्सकलेट कर देनी है कि वो एट द एंड का यूज़ करके जो है वो कंट्रोल में की जाए उससे पहले ही आपने क्या करनी है इसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है तो ये क्या कहती है सिक्योरिटी काउंसिल ये चीज बताती है तो ये था आपका आ, आसियान का टोटल ठीक है तो इस पर जो है हमने आसियान की पूरी डिस्कशन कर ली है आई होप इसका जो आपको बैकग्राउंड वगैरह सारा क्लियर हो गया होगा और आपको जो मैंने एक अमेजिंग ट्रिक भी बताई है तो उससे जो है वो आपके टेन मेंबर्स ईजिली आप इसको याद कर सकते हो क्योंकि साग वगैरह ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी तो मेम्बर्स ये जो है याद नहीं होते सो ये ट्रिक जो है वो काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगी है ना और आपको मैप में भी जो है मैंने सारे मेंबर्स दिखा दिए जिससे आप उसको विजुअलाइज तरीके से देखकर आप उसको याद करने में जो है थोड़े आप इजी हो जाओगे ओके सो आगे हम देखते हैं इसका जो है मैप भी देख लेते इसका जो है फ्लैग भी देख लेते हैं आसियान का क्या फ्लैग है तो कुछ इस तरीक़ तरह तरह का जो है वो आसियान का फ्लैग है ठीक है इसमें क्या है ये ऐसे करके टेन जो है बताती है ये पैडी क्रॉप की जो है वो स्टॉक के बारे में बताती है मीन्स कि सारे जो है वो एक ऐसे कनेक्टेड हैं जैसे स्टॉक के साथ सारा कनेक्टेड होता है वैसे कहते हैं ये पैडी मीन्स राइस ठीक है तो इसके साथ जो है वो ऐसी सारी कंट्रीज जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रहती हैं तो इसका ये फ्लैग है ठीक है ये देखिए तो अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये पढ़ रहा है तो उसके लिए तो ये फ्लैग जानना जो है इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है फ्लैग के ऊपर भी कि ये वाला फ्लैग जो है वो किसका फ्लैग है तो दे शुड नो दैट कि ये वाला फ्लैग जो है वो आसियान ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैग है तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन ऑफ़ द डे तो आपने इसको जो है सॉल्व करने की पूरी कोशिश करनी है जो क्वेश्चन है वो है तो आपने जो है इन दोनों क्वेश्चन का जो है वो आंसर ज़रूर देना है कि इनमें से जो है कौन सा कौन सी कंट्री ऐसी है जो आसियान ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो मेंबर नहीं है और आपने यहाँ पर बताना है कि आसियान ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई ओके okay? तो दोनों आंसर जो है आपने ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में देनी है और हेयर इज़ द कमेंट ऑफ द डे इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देखो जो है वो जरूर लाइक करना और शेयर भी करना और कमेंट करके जो है वो आप वीडियो का फीडबैक ज़रूर देना और दोनों क्वेश्चन का दोनों क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट जरूर करना ओके okay? तो ये भी बताना आपको ट्रिक कैसी लगी इस सारे कंट्रीज़ को याद करने की ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग